सो है गाइस, वेलकम बैक टू सोल टॉर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। बाकी आपको टीम सोल में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलने वाला है, और आपको टीम सोल में और टीम एक्स पार्क में एक ट्रेड देखने को मिलेगा, और ये कंफर्म हो चुका है। लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट्स ने भी डाला है, और आपको बताइए, अगर लेट्स ग्रो ने डाला तो समझो 100% कन्फर्म ही है। तो आपको निंजा और जोकर में चेंजेस देखने को मिलेगा। निंजा आपको टीम सोल में आते हुए देखने को मिलेंगे, एंड जोकर आपको टीम एक्स पार्क में जाते हुए देखने को मिलेंगे टीम सोल से। और बाकी आपको आगे फाइट भी देखने को मिलेगा टीम एक्स पार्क वर्सेस सोल, जिसमें आपको जोकर टीम एक्स पार्क से खेलते हुए देखने को मिलेंगे, और बाकी वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये अभी कंफर्म हो चुका है, एंड स्काउट भाई ने भी ये कंफर्म कर दिया था स्ट्रीम पे अपने कि निंजा टीम एक्स पार्क लेफ्ट कर रहे हैं, और बहुत सारा अपडेट भी दिया था। तो क्या कुछ कहा था स्ट्रीम पे वो आप आगे देख सकते हो। क्लियर कर देता हूँ निंजा के इशू के बारे में, तो हम एकदम बेसिक से बात करेंगे। जो भी चीज़ रूमर्स है वो आप उस पर मत जाओ। टीएक्स में निंजा को कंटिन्यू करना नहीं करना, कहाँ जाना है वो आपको निंजा बताएगा। बट जो भी है अपडेट्स निंजा के रिगार्डिंग वो आपको कुछ दिन में मिल जाएगी। और सिंपल यही चीज बोलूँगा, हम जाने वाले को रोक नहीं सकते, बट हम आने वाले को देख सकते हैं। क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती रख के खिलाना इज़ वॉट आई फील इज़ नॉट राइट। बहुत सारे वन अभी और गोनर्स हैं जो प्लेयर्स का करियर खा जाते हैं, तो हम उनमें से नहीं है कि भाई प्लेयर को बिठा दे, ये कर दे, भाई मेरे को पैसा दो, ये सब हम चुतियाबा नहीं करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पे। बट वही चीज़ें जैसे मैंने डे वन पे बोला था, अपने लौंडे अपने रहेंगे, बट कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है वो आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। बट आप टेंशन मत लो। और ये चीज़ झटके में जो भी हुई है, आपको न्यूज़ मिली है, आई थिंक इस चीज़ का बिल्डअप बहुत पहले के टाइम से चल रहा था बिफोर BGIS, तो उसके भी रिगार्डिंग हम बता देंगे आपको। अब कुछ पर्सनल किससे किसी को कोई दिक्कत है नहीं, बट हाँ, और हमारे पास भी जो प्लेयर आएगा उसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल तो ये अपडेट है आपको जितना मैं बता रहा हूँ। आई वुड लव कि हंटर्स भी आए, क्यों ना। बट आरजी कौन कुछ बोल रहा था 22 लाख, भाई आप धंधा मतलब प्लेयर बेचा आपको, या तो आप झगड़ लो कि मेरा प्लेयर मत लो, आप बोल रहे हो मेरा प्लेयर ले लो, पर 22 लाख रुपये तो भाई पैसा कमाना है या बिजनेस कर लो, इसको तुम एक प्लेयर्स के इकोसिस्टम का मत बिगाड़ो ये चीज़ करके। बट ठीक है, अगर आपको ऐसा है कि आपके टीम में प्लेयर होने चाहिए, तो उसके खिलाफ फाइट लो यार कि मेरे टीम को मत तोड़ो, मेरा प्लेयर इधर रहेगा। बट आप ऑन द अदर हैंड यही बोलते हो कि नहीं, लेके जाओ तो लेके जाओ, और 22 लाख देके जाओ, तो थोड़ा सा चुतिया पाए, कोई भी ये 22-30 लाख आपको नहीं देने वाला है। बट हाँ, जो भी चीज़ें है आपको अपडेट मिल जाएगा TX के रिगार्डिंग। और प्लेयर सेंट्रिक टीम, ये स्पोर्ट्स टीम कभी भी एक प्लेयर सेंट्रिक टीम नहीं है। और प्लीज़ गाइस, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ लोग से कि किसी को हेट मत देना। अपने घर के लड़के अपने घर के लड़के होते हैं, ये आप मान के चलो। हम बाकी और जैसे नहीं है, अपने आदि आज भी भले वो कहाँ कहाँ जाके आया, किस किस डेप्थ में जाके आया, बट अपना लौंडा अपना लौंडा है, सिंपल। आदि आज भी घर आता है, आदि आज भी साथ रहता है, तो वो वाला सीन। बट हाँ, जो भी रहेगा फोर्थ प्लेयर या जो भी चीज़ है, आपको उसका मैं अपडेट मिल जाएगा। तो ये था स्काउट भाई का रिएक्शन। बाकी आपको क्या लगता है, अगर निंजा टीम सोल में आते हैं तो आपको क्या लगता है टीम सोल का परफॉर्मेंस कैसा होगा, और एग्रेसिव होगा और अच्छा होगा, और कि लाइक टीम सोल में जोकर ही बेस्ट है, आपको क्या लगता है आप एक बार कमेंट करके बता देना। बाकी चलते हैं हम सीधा मैच की तरफ, क्योंकि इस टीम के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और अभी फिलहाल के लिए हम दो टीम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो दो बड़े नाम आईकू सोल है रोनी? और एक है एक्स पार्क। रोनी जेस हो तो नजर आ रहे हैं टीम एक्स पार्क, एग्रेशन ऑन पॉइंट, एंड देयर कम्स द एंटायर रीइंफोर्समेंट। सारों को भागना पड़ेगा, उनका इस वक्त जो दबदबा था टू एटलीस्ट गेट वन मैन नॉक्ड ऑफ, इट्स ऑल गोना वर्क। सारंग को यहाँ पे दर्द पहुंचा गया, बट उसी वक्त एक नॉक आ चुका है मान्या के ऊपर। दूर दराज स्पॉटिंग चल जरूर रही थी, बट बहुत ज्यादा डैमेज ये झेल चुके हैं। शैडो उनके ऊपर भारी प्रहार, एक एक करके नॉक जरूर बटोर रहे, बट देयर कम्स द एंटायर टीम कन्वर्जिंग ऑन दैट कॉमेडी। इस वक्त कैपिटलाइज करेंगे, एंड पूरी की पूरी टीम आईकू सोल की एलिमिनेट हो चुकी है, हत्ते चढ़ चुकी थी टीम एक्स पार्क की। ये जो गेम का जो ये जो गाड़ी का जो गहमा गहमी चल रही थी, इस चीज में उभर के आई है टीम एक्स पार्क। नॉक हो सकते हैं, बहुत कम HP पे है स्प्रे गॉड, एक ही OP वहां पे नॉक किए जाएंगे। कॉमेडी का बहुत अच्छा कवर फायर, विस गॉड के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया है, एक ही OP को सीधा नॉक किया, फिनिश कर दिया। ओरैंगुटैंग इस समय पे दो खिलाड़ियों के साथ जिंदा है। You need Visgod के ठीक बगल से झूमते हुए गई है Visgod, भागना पड़ेगा उनको।
किले रिट्रीट ऑन पॉइंट कॉमेडी नेड पे नेड कुक करे जा रहे बट बैक स्टैब करने की कोशिश वीर जॉर्ड को यहाँ पे तुरंत ही नॉक एंड फिनिश कर दिया जाएगा। दो खिलाड़ी शेष और एंगिटान इस वक्त खतरे में संकट में गाड़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश बट कामयाब नहीं हो पाएगा ये पूरा का पूरा षड्यंत्र। एक एक करके सब लोग यहाँ पे निकाल दिए जाएंगे आतंकी बींग द लास्ट मैन स्टैंडिंग क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। थोड़ा बहुत गेम प्ले उनको भी रिफाइन करना पड़ेगा सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। कॉमेडी के ऊपर भारी भरकम नेड पर बहुत कम डैमेज और ये रहा प्रहार कॉमेडी इंस्टेंटली निकाल देंगे और एंगटैन को और बोल देंगे कि अभी के लिए कार्निवल गेमिंग के नहीं हो। हर बार अगर क्लच सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप समझिए नियो है तो पॉसिबल है। वेल फॉर श्योर नियो है तो सब कुछ मुमकिन पर यहाँ पे इंस्टेंटली कॉल इन करते हुए भाग जरूर जाएंगे पर वो जो फाइट थी क्या ही एग्रेसिव स्टांस नियो का क्लच लास्ट मोमेंट तक मेरी जान हलक में थी कि यहां से क्या होने वाला है क्या नियो क्लच कर पाएंगे और उन्होंने करा भी वेरी वेल डिजर्व्ड एंड मूविंग फॉरवर्ड तीन खिलाड़ियों के साथ वो आगे दिखाई देंगे कार्निवल गेमिंग। तो आई बिलीव 12 के अंदर तो पहुंच चुकी है ये टीम। आसाम में कोई रिएक्ट करने का समय नहीं दिया यहां पे स्प्रे गॉड को एंड टीम एक्सपार्क के शैडो को दोनों के दोनों फिनिशेस अपने झोली में डालेंगे एंड एक राउंड ऑफ करने की कोशिश पर देखा जाए तो सौमे को भी यहां पे नॉक कर दिया जाएगा। ये टीम अनस्टॉपेबल कहलाई जा रही है जंग पे जंग यहां पे छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। कार्पे डीएम को भी यहां पे चपेटे में ले लिया गया है। टीम एक्स पार्क के साथ कार्पे डीएम की लड़ाई टीम सोल के साथ आइकू सोल के साथ एश आई थिंक इनको नेट से ही फिनिश अप किया जाएगा। वेट कॉमेडी ने यहाँ पे नॉक करके खत्म भी कर दिया एक प्लेयर को। ओह माय गॉड यहाँ पे सामने ही वेट कर रहे हैं दो दो खिलाड़ी इतना इजी नहीं होगा बट नहीं इस बार सीधा मुंह पे पड़ा आरू का S12K का शॉट। एंड बाकी अगर हम बात करें कि टीम एक्स टी एक्स कॉमेडी कौन है तो अगर आप सर्च मारोगे BGMI में वो ID रहता है जो 5 से स्टार्ट होता है 59 जो भी रहेगा वो अगर आप ID सर्च मारोगे तो आपको सोल जोकर की ID से आपको जो नेम रहता है वो टी एक्स कॉमेडी अभी देखने को मिलेगा। तो ये कंफर्म हो चुका है कि सोल जोकर ट्रायआउट दे रहे टीम एक्स पार्क में। एंड सारंग ने जो ट्रायआउट के रिगार्डिंग क्या कुछ कहा था अपने स्ट्रीम पे वो भी आप आगे देख सकते हो। एंड उन्होंने कहा था कि नाम ही आई थिंक ऐसा कुछ बोला था नाम ही कॉमेडी है ऐसा कुछ बोला था तो आप देख सकते हो क्या कुछ कहा था स्ट्रीम पे। समझे उसका रियल नेम ही कॉमेडी है भाई का मैं इतना बोलूंगा कि सब बैलेंस डिफॉल्ट में 20 BMPS की तैयारी अच्छी जाएगी और BMPS भी हमारा अच्छा जाएगा क्योंकि हमें भरोसा है प्लेयर पे भी और हम सब मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई प्लेयर अच्छा नहीं है वो अच्छा बहुत अच्छा प्लेयर है बहुत अच्छा प्लेयर है और हमको कॉन्फिडेंस है इस चीज पे कि हम उसके साथ BMPS में अच्छा कर सकते हैं है ना उसके साथ पिलो दे देना मेरा एक बार जैसे कि स्काउट भाई ने बताया था कि लाइक BGMI से पहले भी टीम एक्स पार्क में चेंजेस होने वाला था निंजा को लेकर उस टाइम पे भी कुछ हो रहा था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो वो तो अभी हमें पता नहीं बट जैसे कि स्काउट भाई ने अपडेट दिया है तो उस टाइम पे भी मेजी भाई ने बोला था कि अगर निंजा टीम सोल में आता है या ट्राई आउट देता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा जैसे कि ट्वीट किया था। तो आई थिंक मुझे लगता है अभी ये कन्फर्म हो रहा है कि निंजा आपको टीम सोल में देखने को मिलेंगे और जोकर आपको टीम एक्स पार्क में। तो अगर ऑफिशियली कुछ भी अपडेट आता है तो आपको मिल जाएगा अभी ये लीक्स है तो अभी बिलीव मत करना। और आपने गेम प्ले भी देख लिया आप गेम प्ले देख के आप बता सकते हो तो आप कमेंट कर देना एक बार आपको क्या लगता है। और ये था कुछ न्यू अपडेट रिगार्डिंग टीम सोल।
और जैसे ही कुछ ऑफिशियली अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा। तो बस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग एंड